हेलो जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी हुए हैं 7:15। अभी एल्विन को मैंने उठा दिया है, वो अंदर वॉशरूम में गया है अपना फेस वॉश करने, ब्रश करने। तो अभी मैं उसको थोड़ी देर में स्कूल बस के जो बस स्टॉप है उसका, स्कूल बस का, तो वहाँ पे उसको मैं ड्रॉप करने के लिए जाऊँगा स्कूल बस में। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलूँगा मैं, 10 मिनट में। तो आज बहुत काम है, आज मेरे को पास वाले स्कूल भी जाना है। वो क्यों जाना है वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा सारी डिटेल कि क्या रीज़न है मेरे को साथ वाले स्कूल जाने का। तो हमारे घर के पास ही पड़ता है। बस अभी निकल रहा हूँ एलविन को स्कूल छोड़ने के लिए। एलविन आ गया। चलो एलविन, चले इसको बंद कर दे, इसको लॉक कर देते हैं। चलो जी। सनराइज 7:30 है, पर अभी दिन तो निकलने लग गया ना। तो देखो पीछे ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, पीछे वाले दिन निकलने लग गया। इसका मतलब दिन बड़े हो गए हैं, अब फेब्रवरी का एंड हो गया। देखो सभी पेरेंट्स जा रहे हैं ना बच्चों को छोड़ के, आगे आगे बस खड़ी है उनकी। यहाँ पे अच्छी बात बच्चों के लिए ये है कि कोई स्कूल ड्रेस नहीं है, बच्चे अपने घर के कपड़ों में जाएं। ये देखो एलविन भी स्कूल जा रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल जा रहा है। हम तो जब जाते थे स्कूल पूरी ड्रेस होती थी, पूरे एंड सॉक्स भी वाइट, ब्लैक शूज़। तो जी एलविन की भी स्कूल बस आ गई। कुछ नहीं कुछ नहीं, जा सुबह होने लगी है, बस स्नो ही स्नो, अभी है स्नो देखो। चलो जी चले गए बच्चे अंदर, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलूँ घर फटाफट। आ गया जी घर, छोड़ के एलविन को, और अभी मैं बस नहाने लगा हूँ। नहा के फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ जी, तो जी नहा लिया, रेडी हो गए, आयजा को भी रेडी कर दिया हुआ है। बस ये बस अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आयजा का दूध रेडी है, आयजा का दूध पिएगी अभी, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। बहुत धूप तेज है, तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल में। तो मैं आपको अभी थोड़ी आउटलाइनिंग बता देता हूँ। आउटलाइनिंग ये है कि आयजा के स्कूल की एडमिशन शुरू हो गई है, ठीक है? आयजा के स्कूल की एडमिशन जो है वो शुरू हो गई हुई है। तो हिमानी ने ईमेल के थ्रू सारे डॉक्यूमेंटेशन भेज दिए थे कैलगरी स्कूल बोर्ड एजुकेशन को। तो उन्होंने पहले तो हमें कंफर्म कर दिया कि भई आपके साथ वाला स्कूल जो मैं अभी जा रहा हूँ, पेरी हाई स्कूल कुछ ऐसे है, हाँ, जो हमारे साथ पढ़ता है, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि आपका बच्चा इस स्कूल में जाएगा। तो फिर उन्होंने फिर उनकी ईमेल आई 3-4 दिन पहले कि भई अभी वेटिंग में है, अभी आपके बच्चे की एडमिशन इधर नहीं हुई। हाँ, क्योंकि आपका बच्चा कैनेडियन सिटीज़न है, क्योंकि आयजा इधर की बॉर्न है तो इधर की सिटीज़न हुई, तो इधर आपका बच्चा कैनेडियन सिटीज़न है, तो आप डायरेक्ट जाके स्कूल से भी बात कर सकते हो। तो मैं इसलिए ही जा रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट जाके स्कूल से बात कर सकूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके हमने रजिस्टर करवा दिया हुआ है कैलगरी बोर्ड एजुकेशन में, ठीक है? तो हमने रजिस्टर करवा दिया है। तो हमारी हमें पहले उन्होंने कन्फर्मेशन दे दी थी कि भाई आपका बच्चा जो है वो ये वाले स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई है, कि वो अगस्त में स्कूल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद उनकी फिर ईमेल आई कि भाई अभी कंफर्म नहीं है कि जो आपके पास वाला स्कूल है वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपका बच्चा कैनेडियन सिटीज़न है तो आप डायरेक्ट जाके भी स्कूल से बात कर सकते हो, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीज़न को प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो इसलिए मैं स्कूल में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनसे क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आयजा अभी मेरे ख्याल किंडरगार्टन में जा रही है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है, हमें सिर्फ कन्वीनियंट यही रहेगा कि आयजा पास वाले स्कूल में ही जाए। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि पता चल जाए कि भाई ये कि हमें इधर एडमिशन अगर हो गई तो अच्छा है, वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर वो बताएंगे कि कौन सा स्कूल होगा। मैं और हिमानी तो यही सोच रहे थे कि इधर ही स्कूल में हो जाए, क्योंकि आप क्योंकि पैदल ही ले जाना छोड़ना, क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वो सिर्फ 2 आवर्स के लिए जाते हैं। अभी बच्चे पहली बार जब स्कूल जाते हैं
वो उनकी सेटिंग होती कि नहीं होती, क्योंकि वो अगर नहीं बच्चे कंफर्टेबल नहीं पहले पहले कंफर्टेबल नहीं होते तो वो पेरेंट्स को कॉल करके बुला लेते हैं कि भाई आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आप आ जाओ अपने बच्चे को ले जाओ। तो इसलिए मैं ये हम यही सोच रहे हैं कि आयजा की एडमिशन ना यही पास वाले स्कूल में हो जाए। तो मैं पहुँच भी गया स्कूल में, ये देख लो कितना पास है, बात कर लेता हूँ एक बार क्लियर ना पता चल जाएगा फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो ना पता क्या बात है, हम अगर व्लॉग्स ऐसे बनाते हैं ना तो आप लोगों को भी हमारे व्लॉग्स के थ्रू ये पता चलता है कि कनाडा के स्कूल क्या प्रोसेस रहता है और क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ना शेयर करते रहते हैं साथ के साथ ना। पार्क कर दी है कार, अभी मैं जाता हूँ अंदर, अंदर व्लॉग बनाने नहीं देंगे क्योंकि परमिशन नहीं होती मेरे को जहाँ तक लगता है परमिशन नहीं होती। उनसे बात करता हूँ फिर मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूँगा। मैं कनाडा के आपको बाहर से स्कूल दिखा देता हूँ कैसे है जी स्कूल। ये हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है तो हम यही चाहते हैं कि ये वाले स्कूल में एडमिशन हो जाए। ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये मेरे ख्याल से है 8th तक, क्योंकि हमने पहले एलविन के लिए भी इधर के लिए ही कहा था कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए और उन्होंने कहा था यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर। फिर एलविन को दूर स्कूल जाना पड़ा। चलो ये बात है कि यहाँ से मतलब नज़दीक से उसको हाँ आराम से चलते हैं। ये बात है कि उसको ना पास से बस मिल जाती है, बस लेने आ जाती है। चलो अब चलते हैं अंदर देखते हैं क्या बनता। देखो इधर से ना पहले बेल मारनी पड़ेगी। अभी खुलेगा दरवाज़ा। चलो आइजा कम ऑन इन। चलो ऐसे है स्कूल, वाओ वो है स्कूल। वो ना एक घंटे में मुझे कॉल करेंगे सारी सिचुएशन बताने के लिए। उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है स्कूल वालों ने, कह रहे कि हम आपको 1 आवर में कॉल करते हैं जब तक ना जब तक हिमानी भी आ जाएगी जो अभी कॉल आएगी उनकी। तो फिर जब जो बात होएगी फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि भाई क्या क्या कहा उन्होंने और क्या सिस्टम होता है इधर का। मैं आ गया था घर, मेरे को ना स्कूल वालों की कॉल आ गई थी तो मैं उनकी कॉल अटेंड करने लग गया था। तो एक बार हिमानी भी आ जाएगी बस 10 मिनट में ना, तो हिमानी को भी बताऊँगा साथ कि वो क्या कह रहे थे। तो बस मैं हिमानी की वेट कर रहा हूँ क्योंकि पता क्या बात है, बात यह है कि चलो जो भी हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर किसी ने कनाडा आना है या अल्बर्टा वाली साइड अगर आ रहे हैं, चाहे ओंटारियो से आ रहे हैं चाहे वैंकूवर से, अब तो वैंकूवर से ओंटारियो से बहुत जगह से लोग मूव कर रहे हैं, कई लोग अपनी होम कंट्री से डायरेक्ट आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, उन लोगों को भी एक नॉलेज मिल जाती है कि ठीक है भाई यहाँ पे किस तरह से बच्चों के एडमिशन्स होती हैं, ठीक है किंडरगार्टन के लिए और मतलब जैसे भी जो भी प्रोसेस होता है जो भी ये कंडीशंस होती हैं इनकी, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है इससे। ये बात है हमारे एक्सपीरियंस से। तो वेट करता हूँ हिमानी की, फिर सारी डिटेल में बात करूँगा। तो ये हिमानी आ गई है, ये देखो हेलो, हमेशा किचन में देखूँगी ये आके फिर किचन के काम में बिजी हो जाती है। आज तेरे को पता है क्या हुआ आज स्कूल वालों ने क्या किया, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, हिमानी को भी बता देता हूँ क्योंकि हिमानी अभी आई है ना। तो आज स्कूल वालों ने मेरे को क्या कहा पता, तूने मेरे को कहा था वैसे स्कूल वालों को जाके मैंने कह दिया कि भाई आपने हमें कंफर्मेशन एडमिशन की दे दी थी कि ये वाले स्कूल में प्रेरी हाई स्कूल में आइजा की एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। मैं कहा उन्होंने कैलगरी बोर्ड एजुकेशन ने हमें कंफर्मेशन दे दी थी, तो हमें कंफर्मेशन ईमेल आई, मैंने उनको बोला ठीक है जाके कि भाई ऐसे ऐसे करके कंफर्मेशन इधर आ जा, कंफर्मेशन ईमेल आ गई थी हमें। तो उन्होंने यार ये लाइटें क्यों इतनी है, इधर आ जा हाँ इधर ठीक है इधर थोड़ा आगे आ जा। तो मैंने उनको कहा कि कंफर्मेशन ईमेल आ गई थी, फिर ईमेल आई कि आपकी जो है वो अभी एडमिशन कन्फर्म नहीं है। मैं कहा एक बार कन्फर्मेशन ईमेल आ गई फिर एडमिशन कन्फर्म क्यों नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ना तेरी मैसेज दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये मैसेज हमें आया। तो यहाँ पे बच्चों के एडमिशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको नज़दीक वाले स्कूल नहीं मिलते।
तो आयजा को भी अभी नजदीक वाला स्कूल की कंफर्मेशन नहीं हुई। उन्होंने उन्होंने मुझे अच्छा भैया के साथ खेलो, भैया के साथ खेलो। तो उन्होंने उन्होंने मेरे को पता क्या है, कहने कहने फर्स्ट प्रेफरेंस होती है जिनके सिबलिंग्स स्कूल में होते हैं, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस जो सिटीजन है ना बच्चे, उनको उनको होती है। ये चीज़ है, तभी तो एल्विन को एडमिशन नहीं मिली। अब पहले जिनके सिबलिंग्स है ना, ठीक है, उन वो बच्चे जिनके हैं वो उनको उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे किंडरगार्टन में। और सिर्फ 50 सीट्स हैं बस इनके पास। ये पंगा देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके पास सफिशेंट स्कूल ही नहीं है। एक्चुअली बात पता क्या है, आसपास से ओंटारियो से वैंकूवर से बहुत लोग शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए इनके पास सीटें ही नहीं है स्कूल्स में, सीट्स ही नहीं है स्कूल में। तभी तो एल्विन को 15 किलोमीटर दूर जाके स्कूल मिला। वो तो चलो एल्विन बड़ा है, चलो बसेस ट्रेवल कर लेगा, आयजा आयजा छोटी है तो आयजा कैसे करेगी। ये बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है इधर, क्या मतलब अल्बर्टा में, कैलगरी में, कि यहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिलती बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को भी। देखो अब अभी इसने किंडरगार्टन में जाना है आयजा ने, मतलब ये देख लो। अब हम पेरेंट्स तो वही है ना, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई बच्चे पहले 2 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं इधर, ठीक है, अगर बच्चा ना टिका तो उन्होंने हमें कॉल कर देनी है कि हाँ भी बच्चे को आगे ले जाओ, बच्चा रो रहा है या जो भी है, ठीक है। पहले पहले सेटिंग नहीं आती बच्चे की। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा बिग इशू है। पता नहीं स्कूल बना नहीं बना रहे या पता नहीं नहीं बना रहे, वो नहीं मुझे पता, पर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई चाहे कोई न्यू इमिग्रेंट्स कैलगरी में आ रहे हैं या कोई कहीं से भी शिफ्ट होके आ रहे हैं, अगर वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना तो ये सोच के आना कि भाई बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी तुम्हारे पास। जैसे ओंटारियो में तो हम तो 5 साल ओंटारियो में रहे हैं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं आई एडमिशन की कभी। एल्विन की ना बिल्कुल पास वाले स्कूल में एडमिशन हो जाती थी, हम आराम से चले जाते थे, कोई भी चले जाए, कोई भी ले आए या बच्चा खुद ही आ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। पर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये है कि देख लेना कि ठीक है, अगर कोई मेरे व्लॉग्स देखता है, अगर कोई शिफ्ट होने की सोच रहा है, ठीक है, तो अपना एक बारी कंफर्म कर लेना, एक बारी अपना ना देख लेना, सोच लेना, ठीक है। यहाँ पे पास के स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन ही मिलेगी, 15 किलोमीटर जहाँ पे भी देंगे, जहाँ पे भी आपके बच्चे को देंगे सीट, वहीं भी आपके बच्चे को जाना पड़ेगा। और आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करी जाओ, आपकी रिक्वेस्ट नहीं उन्होंने माननी। मैं ठीक नहीं कह रहा, मैंने उसको कहा, ऑफिस में बैठी थी, मैंने उसको कहा, मैं कहा चलो हमारे बड़े बच्चे के साथ भी ऐसे हुआ, बिग बॉय के साथ है। मैं कहा ये तो छोटी है, अभी तो ये किंडरगार्टन में जाएगी, मैं कहा ये कैसे मैनेज करेगी। तो कह रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो स्कूल बोर्ड वाले ही, वो कैलगरी स्कूल बोर्ड वाले ही आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की कंफर्मेशन कहाँ हुई है, कहाँ एडमिशन हुई है। आ जाओ आ जाओ। सो जी, आज का दिन हो गया समाप्त। वैसे एक बात है यार, मेरे को ना आज एक बहुत बुरी बात लगी, जो ये आयजा के लिए उन्होंने ऐसा किया। इतने छोटे बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। चल एल्विन तो बड़ा है, पर आयजा के लिए, छोटे बच्चों के लिए एडमिशन दे देनी चाहिए। ये यहाँ के मैं नहीं, मेरे को यहाँ की ना अल्बर्टा की दो तीन चीज़ें मेरे को ऐसी लगी हैं। एक मेनली ये स्कूल का जो काम है, लोग इससे बहुत इरीटेट होते हैं। अब व्लॉग का करते हैं एंड, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। एक मिनट, अच्छा प्लीज़ आयजा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। आयजा शरारती है बड़ी, ठीक है। तो जी फाइनली करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ये हमें ये आज